जबान में यही कहलाता है असल में। अब जब मैं इस अर्थ समझा देता हूँ तब सनातन धर्म ही बोलता हूँ, वरना फिर बात करता हूँ तो मुझे भी कहना पड़ता है, इसलिए कि लोग यही समझते हैं। मैं कहा यहाँ हिंदू नजर नहीं आ रहे, डॉक्टर साहब ने कहा कि है शायद 10% है, कम है। मैं इसलिए इसको देखते हुए कि यहाँ मुसलमान फिर भी 90% है, तो एक कुरान शरीफ की आयत में रखता हूँ आपके सामने, उस पर जरा सा गौर कीजिए। कुरान ने कहा कि वलीकुल्ली उम्मत इन रसूल फॉर एवरी नेशन देयर वाज़ ए प्रॉफिट। कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह की तरफ से रसूल ना आया हो, ईशदूत ना आए हो। अगर कोई नेशन या कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी तो हिंदुस्तान में भी आए, हम नामों की बात नहीं कर रहे। एक सिद्धांत, एक उसूल मिला और उसके मुताबिक कुरान ने बहुत से शब्दों में, बहुत से अल्फाज में ये कहा है, वलीकुल्ली कौम इन हाद, मार्गदर्शन हर कौम के अंदर आए, मार्गदर्शक। वही मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नदीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां पे वार्निंग देने वाले नहीं गुजरे अल्लाह की तरफ से। तो हिंदुस्तान में भी आए, एक बात तय हो गई, भारत में, हमारे मुल्क में भी आए, चाहे वो जो कोई हो, चाहे हम उन्हें अभी नाम कोई से पहचाने या आइडेंटिफाई कर पाए या न कर पाए, यहां आए, एक बात तय है कुरान के हिसाब से। फिर कुरान ने एक और सिद्धांत दिया, कुरान शरीफ ने, कुरान शरीफ की कायद है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जहां जिस कौम में अपना कोई रसूल भेजा या ईशदूत भेजा, वो उस कौम की या उस देश की भाषा के अंदर संदेश लेके गया, लियुबैन लहुम, ताकि लोगों की समझ में भी आए। अगर इटली में जाए कोई, इटाली में जाए और फिर रशियन बोलना शुरू कर दे तो लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जहां पर भी गए, हर जगह गए और वो वहीं की संदेश, अल्लाह का पैगाम जो गया वो वहीं की भाषा और वहीं की जबान में गया। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात भारतवर्ष में आए जो कोई भी हो, और दूसरी बात कि यहीं की भाषा और यहीं की जबान में पैगाम आया। यहां की प्राचीन भाषा क्या थी, पुरानी जबान, हम जानते हैं, हमें मालूम है, कुरान के सिद्धांत और कुरान के उसूलों के मुताबिक किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकता इस बात से। अगर इन दो आयतों को सामने रख दिया जाए कि अल्लाह का कलाम, ईश्वर वाणी इस मुल्क में आई और संस्कृत जबान में आई, अल्लाह का कलाम यहां पर उतरा और संस्कृत जबान में आया हिंदुस्तान में, ये तो कुरान के उसूलों के मुताबिक, कौन सा है, हम इसकी बात ना करें, चाहे कौन थे यहां पर पैगंबर या नबी आए, चाहे इसकी ना करें, लेकिन वो संस्कृत जबान के अंदर अल्लाह का पैगाम इस मुल्क में आया है। कुरान शरीफ की एक और छोटी सी आयत, अभी मैं सिर्फ कुरान से लेकर चल रहा हूं, बातें करेंगे वेद की भी। कुरान शरीफ की एक और छोटी सी आयत, बहुत छोटी सी आयत है, सूरह शोरा की है, सूरह शूरा की है, शोरा की 26वीं सूरत है, आयत नंबर 196, 196, बहुत छोटी सी है। उसके अंदर कुल तीन अल्फाज हैं, तीन वर्ड्स हैं, वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। और ये कुरान जो है ये तुम्हें ज़ुबुरिल अव्वलीन में भी मिलेगा, यही कुरान तुम्हें ज़ुबुरिल अव्वलीन में मिलेगा। अब ज़ुबुरिल अव्वलीन का ट्रांसलेशन फिर सुन लीजिए, ये मैंने वर्ड वही बोल दिया जो अरबी में आया था, कि यही जो है यही ज़ुबुरिल अव्वलीन में भी है, और यही का मतलब ये कुरान, यही कुरान जो है वो ज़ुबुरुल अव्वलीन में है। ज़ुबुरुल अव्वलीन क्या है? ज़ुबुर जो है वो प्लूरल है, जमा, बहुवचन। इसका वाहिद या इसका सिंगुलर या इसका एक वचन है ज़बूर। ज़बूर का लिटरल ट्रांसलेशन है ग्रंथ, सहीफा, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब, स्क्रिप्चर। ज़ुबुर क्या हुआ? प्लूरल। हम संस्कृत में कहें ग्रंथा, हम हिंदी में कहें ग्रंथों, जमा ऐसी बन पाएगी बस, ग्रंथों। इसके अंदर ग्रंथ या हम जमा करें, प्लूरल करें, हम बहुवचन ग्रंथों। अव्वलीन, अव्वलीन तो बहुत से लोग जानते होंगे यहां जो बैठे हैं, बोला जाता है सबसे पहला, संस्कृत में कहते हैं या हिंदी में आदि। ज़ुबुरुल अव्वलीन, यही कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें भी खेचतानी जरा सी भी नहीं है। यही कुरान तुम्हें मिलेगा आदि ग्रंथों में। अब आदि ग्रंथ कौन से हैं? और फिर यहां प्लूरल में आया, आदि ग्रंथों में कलेक्शन है कई ग्रंथों का, एक ग्रंथ की बात नहीं हो रही। यही कुरान वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, यही कुरान का यही मैसेज, यही कुरान जो है ये तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेगा। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा, सारी दुनिया के मुसलमानों ने कहा, स्कॉलर्स ने कहा कि आदि ग्रंथ जब कुरान कह रहा ज़ुबुरुल अव्वलीन तो थे कभी दुनिया में, अब उनका लोप हो गया, अब एक्सटिंक्ट हो गया, अब दुनिया में नहीं है, वजूद नहीं है, थे कभी यहां पर, इसलिए कि कुरान कह रहा है, इसे तो मानना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के और स्कॉलर्स कहते हमें कोई शिकायत नहीं है, हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के रहने वाले लोग तो सोचते हो गौर करते, यहां पर हमारे साथ वो लोग रहते हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथों को आदि ग्रंथ कहते हैं, और वो लोग ऐसे नहीं है कि वो छोटी सी संख्या में हो, तादाद में हो,
मुसलमान कहलाने वालों से चार गुने ज्यादा है, जो ये कहते हैं कि हमारे मूल ग्रंथ जो है वो आदि ग्रंथ है, या वेदों को आदि ग्रंथ कहते हैं। और ग्रंथों की बात, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ये चार का पूरा कलेक्शन है, यही कुरान आदि ग्रंथों में है। और यहां पर इस मुल्क के अंदर एक कौम है जो अब जो कहती चली आ रही है कि हमारे पास आदि ग्रंथ है, वो अपने धार्मिक ग्रंथों को आदि ग्रंथ कहते हैं, वेदों को। कम से कम इतना तो करते कि देख लेते कि शायद यही हो जिसे कुरान कह रहा है। नहीं माने, फौरन नहीं माने आप, लेकिन कम से कम देख तो लेते कि शायद यही हो जिन्हें कहा है कुरान ने। इस मार्जिन को रखे कि शायद यही हो। अगर इन्होंने नहीं देखा, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने या हिंदुस्तान के इल्म वालों ने अगर नहीं देखा इसे और नहीं समझा कि शायद यही हो, वो जिनके पास जो सनातन धर्मी है, जो उसमें आस्था रखते हैं, जो उसे खुदा का कलाम कहते हैं और मानते हैं, और जो उसे आदि ग्रंथ कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये कुरान जिस चीज को कह रहा है आदि ग्रंथ वो यही है? वो कहते कैसे? करोड़ों वो लोग जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने दर्शन नहीं किए होते, जिंदगी में एक दफा देखे भी नहीं होते, करोड़ों की बात है ये, गुजर जाते हैं जिसे वो खुदा का कलाम कहते हैं। ऋषियों मुनियों की कृतियां पढ़ी होती हैं, उन्होंने देखी भी होती हैं, घर में भी होती है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, जिसे देववाणी कहते हैं, जिसे ईशवाणी कहते हैं, वो घरों में नहीं होती। और घरों में नहीं होना अलग बात, बड़ी संख्या वो है, बड़ी तादाद वो है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उन लोगों की है, उन सनातन धर्मियों की, जो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, जिंदगी में उन्होंने उनकी नजर नहीं पड़ी होती, देखा भी नहीं होता। वो कैसे बताते कि ये आदि ग्रंथ जो कुरान में जिसका जिक्र इनके पास है? दोनों अपराधी। तो बात असल में यह है कि मूल से कटे हुए मुसलमान यहां तो दर्शन भी नहीं किए, देखा भी नहीं, बड़ी तादाद ने, मेजॉरिटी ने, ओवरऑल मेजॉरिटी ने, मुसलमानों के घर में होता है कुरान, हर एक के घर में होता है। ज्यादातर लोगों को कुछ आयतें, कुछ सूरतें याद भी होती हैं कि नमाज में पढ़ लें, चंदे की याद है, घर में तो हर एक के होता है रखा, जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके भी घर में रखा होता है। बस बात यहीं तक रुक जाती है। बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो उसका मतलब नहीं जानती कि ये क्या है, उसके बाद भी नहीं जानती कि दुनिया की हर मेजर लैंग्वेज के अंदर इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, उसके बाद भी इसका अर्थ नहीं जानते। अर्थ अगर नहीं जानते और मतलब नहीं जानते, और वो चीज अगर मार्गदर्शन के लिए और हिदायत के लिए ही है खाली और उसका मतलब नहीं जानते, तो फिर ये भी नहीं देखने के बराबर है। घरों में, जिन किसी के घर में नहीं है, किसी के घर में रखा हुआ है नाम के लिए, लेकिन जानता नहीं कि क्या है इसके अंदर, मालूम नहीं है। तो असल बात यह है कि धर्म जो है वो मूल से कटे हैं लोग अपने अपने। मुसलमान जो कहलाते हैं, वो जिस चीज को मानते चले आ रहे हैं, वो सब इस्लाम नहीं है। मैं सबकी भी बात कर रहा हूं, बहुत सा हिस्सा है उसमें, वो सब इस्लाम नहीं है। वो कितनी ही चीजें वो है जिसको ये समझते हैं कि इस्लाम है और वो ईमानदारी से उस पर अमल करना चाहते हैं, और उसको देखने के बाद दूसरों को नफरत हो जाती है। और वो लोग जो सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं, वो जिन चीजों पर चल रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है। क्या है मैं वो भी बताऊंगा बात को, जिन चीजों पर चल रहे मैं इस पहले कुछ आपको उदाहरण में मिसालें दे दूं। यहां से मैंने अब इस्लाम की बात की, इसलिए कि बहुत से, फिर इस वजह से कि यहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो तादाद में, संख्या में मुस्लिम ज्यादा हैं, और इसलिए भी कि ये बात उनको जरा सी ज्यादा अजीब लग जाएगी इनके मुकाबले में, जिनको भी उनके घरों में नहीं है तो मान लेंगे। लेकिन कि हमारे घरों के अंदर ये बात कहना कि नहीं, हमारे जो कुछ कुरान कह रहा है, हम जो कुछ मान रहे हैं उससे अलग कोई बातें मान रहे हैं, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से कहा तीन बार, तलाक तलाक तलाक, रिश्ता खत्म जिंदगी भर के लिए, जाने दीजिए इस बात को कि इस्लाम की बात है या नहीं है, इस पे मतभेद है या नहीं, अभी इस बात को जाने दीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल गैर जानिबदार, जो बिल्कुल पक्षपाती नहीं हो, ऐसे आप किसी भी धर्म के मानने वाले पांच लोगों को बिठा लीजिए, उनसे पूछिए क्या ये जस्टिस है, क्या ये न्याय है, क्या ये इंसाफ है? ये अगर वो ईमानदार होंगे तो वो ये कहेंगे ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं हुआ। एक किसी ने चाहे गुस्से में कहा, चाहे जिस वजह से कहा, किसी बुराई की वजह से कहा, उसका क्या कसूर है जिससे रिश्ता कट गया? बच्चों का क्या कसूर है जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई? और सिर्फ ये तीन शब्द कहने से खत्म हो गया हमेशा के लिए रिश्ता, इररिवोकेबल? तो ये आप सिर्फ इतनी बात पूछ ली, क्या ये इंसाफ है? कहेंगे नहीं है। मैं सिर्फ इतनी, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा कि कौन से मकतब के लोग, कौन से फिरके के लोग, मुसलमानों के कौन से समुदाय के लोग कहते हैं कि नहीं तलाक हो गई, कौन से कहते नहीं हो गई, मैं इस झंझट पे नहीं पढ़ रहा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, क्या ये न्याय संगत है
क्या ये इंसाफ की बात है? अगर गैर जानबदार लोग हैं तो कहेंगे इंसाफ नहीं हुआ। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो इस्लाम कैसे था? वो इस्लाम को कुरान ने कहा ये दीन फितरत है, फितरत अल्लाह लतीफ फतरनास अलैहा, कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया अपनी फितरत पर, इसे कहा है। यहां पर सनातन धर्म में क्या कहते हैं? स्वधर्म है, स्वभाव नियत कर्म है, स्वभाव का धर्म, फितरत का दीन, दीन फितरत कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, कुल्लू मौलूदुन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो है वो फितरत पर पैदा होता है, स्वभाव पर पैदा होता है, फिर माँ बाप धर्म परिवर्तन कर देते हैं बात को। फितरत की बात है यानी फितरी है, अननेचुरल बात हुई या अननेचुरल हुई, ये भी बहुत बड़ा पैमाना होगा जानने का और पूछने का। फिर उसके बाद और चीज है, उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या होता है, हल क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि अगर ऐसा किसी ने कर दिया अब तो रिलेशनशिप नहीं जुड़ सकती। हाँ, एक रास्ता है, ये ऐसी बातें नहीं है। मैंने बाद जगहों पर बाद बातें ऐसी हुई कि बाहर निकलने के बाद मुसलमानों ने मुझसे कहा कि वहां कुछ लोग गैर मुस्लिम भी बैठे थे, आपको नहीं कहना चाहिए था। अरे सब जानते हैं, फिल्में बनाते हैं उसके ऊपर, मजाक उड़ाते हैं, मजाक मत उड़वाइए। सोचिए, मैं भी बहुत सी बातें वो भी कहूंगा जो यहां सनातन धर्म के बारे में मानते हैं, लेकिन सही बातें सही सोचिए। उसका हल क्या देते हैं, सोल्यूशन, कि वो जिसकी डाइवोर्स, जिसको डाइवोर्स हो गई, कहा इरिवोकेबल हो गई, वो जिसको डाइवोर्स हो गई वो उसको पहले किसी और के साथ में एक रात के लिए रखो, निकाह कर दो उसके साथ में एक रात के लिए या दो या तीन रातों के लिए किसी और के साथ, दो तलाक, और फिर उसके बाद इन दोनों की मैरिज हो सकती है, री मैरिज, इसे हलाला कहते हैं। मैं यहां जितने लोग बैठे उनसे ये बात कहता हूं, मुसलमान जितने हैं यहां से, अगर आपकी समझ में ना आए, अगर आपको ये बात ऐसी लग रही हो कि तो कुछ हमारे फिका दीन के खिलाफ कह रहा है, जिसको आप बड़ा आलिम मानते हैं यहां इस बरेली शहर के अंदर, जो जिस मसलक का हो, उसके पास अभी जाइएगा यहां से जाने के बाद। इसके नाम ना आने पाए कि ये मैं तलाक की वजह से पूछ रहा हूं, सिर्फ इतना सवाल कर लीजिएगा कि क्या टाइम तय करके, मुद्दत तय करके, रातें तय करके या दिन तय करके हम किसी से निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं एक औरत से 3 दिन का निकाह करना चाहता हूं, 2 दिन के लिए करना चाहता हूं, 1 रात के लिए करना चाहता हूं, क्या आप परमिशन दे देंगे? मुफ्ती साहब जाइए, जाके किसी से फतवा ले लीजिए। ये उनके जहन में नहीं आया कि ये निकाह तलाक की वजह से पूछ रहा है, कहेंगे नाजायज है। कम से कम सुन्नी उलमा तो सारे कह देंगे नाजायज है, बिल्कुल हराम है। ये तय करके निकाह नहीं कर सकते कि चाहे 1 दिन के बाद हो, चाहे 1 साल के बाद तलाक हो जाएगी, चाहे निभा नहीं हो सके, चाहे साथ में रह सके कभी, लेकिन ये पहले से नियत रख के और तय करके निकाह ही नहीं होगा, निकाह वैलिड ही नहीं होगा। अगर ये तय कर लिया कि मुझे 3 दिन का निकाह करना है या 2 दिन का करना है, तो निकाह ही नहीं हुआ, तो फिर उस दूसरे आदमी से निकाह ही नहीं हुआ, वो भी बदकारी हुई, और फिर वो उससे कहा, जब निकाह ही नहीं हुआ तो उससे डाइवोर्स भी नहीं हुई, तलाक भी नहीं हुई, और फिर उसके बाद उस तलाक के बाद इस पहले वाले से शादी भी नहीं हुई, ये तो थ्रू आउट सारी बदकारी चल रही है, इसे हलाला कहते हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने टेस्ट रख दिया है, मैंने मेरे दावे पर मत जाइएगा, जाके पूछ लीजिए किसी से फतवाइए कि क्या हमें दो रातों की इजाजत है किसी से निकाह करने की। अगर वो कह दे कि वो हराम होगा, अगर वो कह दे कि नहीं है इजाजत, अगर वो कह दे कि वैलिड नहीं है, तो फिर वो दूसरे से निकाह कैसे हो जाएगा? जी तय करके हुआ कि वो अगले दिन छोड़ दे और फिर इससे जाके कर ले, फिर ये सोल्यूशन बताए जाते हैं, फिर उस पर फिल्में बनती हैं, फिर उसके मजाक उड़ते हैं। अरे ये धर्म नहीं है। कुरान ने तो अगर ये बात की थी तो फिर बात बहुत लंबी जाएगी, मैं उस पूरे इशू में नहीं जा रहा, कहा था लेकिन अपनी मर्जी से अगर छोड़ दे, अगर वो अगर निकाह किसी और जगह करते हैं तो जिंदगी भर साथ रहने के लिए करें, इत्तेफाक से अगर वहां पर निभा ना हो तो फिर वहां से छूट जाए, उसकी बात कही थी कुरान ने, और वो भी एक मर्तबा कर लेने के बाद। तलाक की बात नहीं थी कि वो फाइनल हो जाएगी, इरिवोकेबल हो जाएगी, जो नाइंसाफी है। मैं उस फिक्र की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो बात मैंने सिर्फ आपको सिर्फ हलाले की बता दी कि कम अज कम ये तो मैंने आप पे साबित किया, अभी बताया कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ये अकल के मुताबिक नहीं है, ये आप किसी से जाके फतवा ले लीजिए उसके मुताबिक नहीं है, ये से गलत साबित हो जाएगा। तो फिर कितनी ही चीजें, अगर एक ये है तो फिर कितनी चीजें ऐसी होंगी जो इस्लाम की नहीं है और इस्लाम की समझकर कर रहे हैं। ये तो अमल की दुनिया में था, आपस की रिलेशनशिप पर। अभी कुरान शरीफ की कुछ आयात थी यहां पर तिलावत हुई शुरू में, उसमें एक जगह आया है जहन्नम की आग के लिए कि अगर तुम कुरान अगर जैसा तुम कोशिश कर लो, तुम ऐसी एक सूरत भी बनाकर नहीं ला सकते, फैलम तफलू वलन तफलू, अगर नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओगे तो फिर
डरो उस आग से, फत्तकुन नार लती उद्दत लिल काफिरीन, डरो उस आग से जो तैयार की गई है। मौलाना ने यहां पे तर्जुमा किया मुनकिरी ने हक के लिए, तर्जुमा ठीक था लेकिन मैं अरबी का वर्ड बोल रहा हूं अभी, उसे उन्होंने अवॉइड किया यहां पर, बचाया जरा सा, उसका ट्रांसलेशन ठीक था ये। वो उस आग से डरो जो मुनकिरी ने हक के लिए तैयार की गई है, मैं जो ओरिजिनल वर्ड है वो बोल रहा हूं, उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। मुनकिरी ने हक तर्जुमा बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये कहने की क्यों जरूरत नहीं हुई और नहीं होती है कि यहां पर अगर कुछ गैर मुस्लिम भी हैं तो उनके सामने ये कहा जाए कि ये आग काफिरों के लिए तैयार की गई। काफिर शब्द का अर्थ नहीं मालूम, मतलब हम क्यों मास्क लगाकर बातें करें, क्यों मुखौटे लगाकर करें, क्या ये कहने की नहीं हिम्मत है कि आग काफिरों के लिए तैयार की गई है? अच्छा कौन काफिर? फिर बात इसके बाद यह भी तो होगी, खुद तो समझ लिया कि मैं उनको नहीं कह रहा मौलाना को जिन्होंने तिलावत की थी, वो लोग जो ईमान का दावा करने वाले हैं, खुद तो समझ लिया हम तो ईमान वाले हैं, हमारे लिए तय हो गई जन्नत हमेशा के लिए। वो अल्लाह तो पैदा करके जब एक किसी फैमिली में, पर्टिकुलर फैमिली में उसने जब पैदा कर दिया और फिर कलमा पढ़ लिया, माँ बाप ने सिखाया था वो पढ़ लिया, तो फिर जन्नत जरूरी हो गई उसको देना, वो तो पैदा करके मजबूर हो गया, अब हट नहीं सकता उससे। उसी ने पैदा कर दिया कुछ लोगों को, उन लोगों के, उनके यहां जो हिंदू कहलाते हैं, सनातन धर्मी है, उनके यहां जो ईसाई कहलाते हैं, उसी ने पैदा किया, उन्होंने वो माना जो उनके माँ बाप नजात का रास्ता बता रहे थे, चूंकि उन्होंने वो माना, इन्होंने इस वजह से माना कि इनके पेरेंट्स ने बताया। अगर इन मेजॉरिटी उन लोगों की जो यहां पर आज भी इस्लाम मुस्लिम कहलाते हैं, अगर उन घरों में पैदा हुई होती तो वो मान रहे होते, ये तो उसके पैदा करने पर है, उसने जहां जहां पैदा कर दिया, फिर एक ग्रुप के लिए तय कर दिया कि मैंने यहां पैदा किया है तो उसको जन्नत में और बाकी सबको आग में। कुछ तो जरा सा अकल से काम ले, कुछ तो सोचे। मैं काफिर शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं, काफिर कैसे कहते हैं, इसलिए कि ये बहुत जरूरी है जानना, हमें अल्फाज नहीं बदलने पड़े, हमें चबाना नहीं पड़े, हमें छुपाना नहीं पड़े कुछ, और हम फिर अगर कोई ऐसी चीज है जो हम दूसरों से कह नहीं सके तो वो कैसी है, कुरान में क्यों है? काफिर जो है वो सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है यानी कर्ता, उसकी क्रिया है कुफ्र, कुफ्र करने वाला काफिर। कुफ्र किसे कहते हैं? डिक्शनरी में तीन मीनिंग है उसके, अरबी जबान के अंदर, अरबी भाषा में कुफ्र के, और इन तीनों मीनिंग में कुरान में ये वर्ड यूज हुआ है। कुफ्र के मतलब है इनकार करना, नहीं मानना, जैसे उन्होंने तर्जुमा किया था ना, मुनकिरी ने हक, इनकार करने वाले हक का, कुफ्र का एक अर्थ है, एक तर्जुमा, एक ट्रांसलेशन है, इनकार करने वाला, नहीं मानने वाला। कुफ्र का एक दूसरा ट्रांसलेशन है छिपाने वाला, छुपाने वाला, छिपाने वाला, यानी काफिर का। कुफ्र का मतलब छिपाना, काफिर का मतलब छुपाने वाला, कुफ्र का मतलब इनकार करना, नहीं मानना, काफिर का मतलब इनकार करने वाला। और एक तीसरा मतलब है नाशुक्री, नाशुक्री करना, कुफ्र का मतलब। तो काफिर का मतलब हुआ नाशुक्री करने वाला, अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल। ये तीन अर्थ हो गए काफिर के, नंबर एक नहीं मानने वाला, इनकार करने वाला, नंबर दो छुपाने वाला, नंबर तीन नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ। अब इन तीनों का जरा सा एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा सा इस पर गौर भी कीजिए, खाली सुनते चले आ रहे हैं अल्फाज को। मैं यहां पर मेरे साथ में कुछ लोग आए रामपुर से, मेरे पास मेरा अपना मोबाइल था, मैंने यहां पर दे दिया, अपना किसी को दे दिया कि जरा अपने पास रख लीजिए यहां, बजाय इसके कि यहां मेरे पास बजेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूं कि जरा मेरे मोबाइल मुझे वापस कर दीजिए, इधर ला दीजिए, मुझे कॉल करनी है। जिन्हें दिया वो बैठे रहे, नहीं आते। मैंने दो बार रिक्वेस्ट कर ली, तीन बार कर ली, तो मैं कह सकता हूं कि नहीं मान रहे ये मोबाइल। मैं कह रहा हूं मोबाइल ला दीजिए, नहीं ला के देते, मान नहीं रहे, इनकार कर रहे हैं, ये भी कह सकता हूं, चाहे जबान से इनकार नहीं किया कि नहीं मान रहे, इनकार कर रहे। मैंने कहा ही नहीं कि मुझे दे दीजिए, और मैं दूसरों को शिकायत कर रहा हूं कि ये मुझे मोबाइल नहीं देते। अरे मैंने कहा कब था? मैं मुझे हक नहीं ये कहने का कि मना कर रहे, जब तक मैं कहूं नहीं किसी बात को, जब तक कहा नहीं जाए, पहले पॉजिटिव बात होती है फिर नेगेटिव होती है, इनकार उसके बाद होता है। मना कोई तब करता है जब कोई पॉजिटिव बात कही जाती है, उसके बाद इनकार होता है कि भाई ये बात है जरा सा मान लीजिए, नहीं मानते तो इनकार किया। वो जिस चीज को आप नजात कहते हैं, मैं मुसलमानों से सवाल कर रहा हूं,
वो जिस चीज को आप नजात का रास्ता कहते हैं, मुक्ति का मार्ग कहते हैं, आप ये कहते हैं कि यही हक है, आप कहते हैं यही सत्य है, आप कहते हैं ये कुरान बहुत बड़ी नेमत है, वो आपने बताया किसी को? अगर आपने बताया, और बताने का मतलब दावा नहीं होता, बताने का मतलब आप हमारे ऐसे कोई क्यों दावा कर ले कि ये ठीक है जो हर एक ने अपने घर में सुना है, आपकी बात क्यों ठीक है सर? अब बताने वाले की ऐसे बताइए कि सर दलील से तर्क से समझ में भी आए। अगर आपने बताया और फिर दूसरा कहता है मैं तो नहीं मानता, आप कहते हैं ये शांति की बात है, दूसरा कहे मैं नहीं मानता, तो आप कह सकते हैं इनकार किया। और अगर बताया नहीं तो कहने का अधिकार कहां है, हक कहां है? जिसने किसी को नहीं बताया कि ये मुक्ति का मार्ग है, जिसने किसी को नहीं बताया कि ये शांति है, उसको कहने का राइट नहीं है किसी को कि इसने इनकार किया, हक नहीं है उसे। ये तो पहले मीनिंग की बात थी। सेकंड मीनिंग छुपाने वाला, छुपाई वो चीज जाती है जो वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है, उसे कोई छुपाता है। अगर आप समझते हैं, अगर मुसलमान ये समझते हैं उनके पास सबसे कीमती चीज जो है वो कुरान है, दीन है, इस्लाम है, तो छुपाने के मुजरिम अगर हो सकते हैं तो उन्हीं में हो सकते हैं। जिसके पास वो कीमती चीज नहीं वहां कहां से आ जाएंगे? छुपाने वाले तो वही होंगे जिनके पास होगा। अगर ये दावा है कि उनके पास है तो फिर छुपाने वाले उन्हीं में से निकलेंगे, वहां नहीं निकल सकते जिनके पास नहीं है, जिनका अगर तो वो तो फिर उन्हीं में से निकलेंगे छुपाने वाले, या जैसे छुपाने वाले को काफिर कहते हैं कुरान में। ये वर्ड इस लफ्ज इस माने में आया है बहुत सी जगहों पर, छुपाने वाला। तीसरे मीनिंग नाशुक्री करने वाला, अकृत्य ज्ञान, ग्रेटफुल। नाशुक्री भी वही कर सकता है जिसके पास नेमत हो, जिसके पास नेमत नहीं हो वो कैसे नाशुक्री करेगा? तो अगर दावा, जिनका दावा ये है कि सबसे बड़ी नेमत हमारे पास है, तो नाशुक्रे तो उनमें से निकलेंगे, नाशुक्रे किसी और जगह से कैसे निकल आएंगे? तो वर्ल्ड के, एक वर्ल्ड के तीन मीनिंग है, उन तीन मीनिंग में से दो की मार तो दो अर्थों के अंदर तो उन्हीं के ऊपर आती है वो बात के काफिर उनमें से निकलेंगे जो दूसरों को कहते हैं। और तीसरा वर्ड जिसकी मीनिंग है नहीं मानने वाला, वो उनके लिए हो सकता है जिनको कहते हैं, लेकिन तब होगा, राइट नहीं है कहने का, तब होगा जब बता चुके और समझा चुके और कोई इनकार करे, उससे पहले तो हक नहीं कहने का। और दो मीनिंग में तो हक की कोई बात ही नहीं हो रही, वो दो मीनिंग तो उधर ही लौट रहे हैं, अगर नाशुक्री कोई कर रहे हैं तब, और अगर छुपा रहे हैं, अपने पास रखे बैठे और छुपा रहे हैं तब। अब इस मानों को रखकर कुरान शरीफ की आयात पढ़िएगा कि काफिर, कुरान ने किनको किनको काफिर कहा है और उनके लिए क्या क्या कहा है। उन काफिरों के लिए आग किस किस के लिए तैयार की गई? आग नाशुक्रों के लिए भी तैयार की गई, आग उनके लिए भी तैयार की गई है छुपाने वाले हैं। तो बहरहाल ये कुछ वर्ड्स का मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि चीजों को नहीं जानने की वजह से, नहीं समझने की वजह से बहुत कुछ वो करते हैं जो देखने वाले ये समझते हैं कि ये इस्लाम है और वो इस्लाम नहीं होता है। ऐसे ही बहुत कुछ वो होता है उन सनातन धर्मियों के जीवन में जो दूसरे देखने वाले उसे देखते हैं और उसे देखने के बाद पसंद नहीं करते हैं, और वो सनातन धर्म असल में नहीं होता है। अगर सनातन धर्म होता तो ऐसी बात नहीं होती कि पसंद नहीं करते, लेकिन सनातन धर्म होता नहीं है। वो आधुनिक युग के करीब के दौर के शायद सबसे बड़े स्कॉलर थे सनातन धर्म के, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार या गायत्री समाज कहलाता है उसके प्रवर्तक और फाउंडर। एक आदमी ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया हो, ऐसे हिस्ट्री में, तारीख में बहुत शायद ही कुछ लोग निकलेंगे कि एक आदमी ने 300 से ज्यादा चारों वेदों का तर्जुमा किया हो, अनुवाद और भाष्य लिखा हो, 108 उपनिषदों का अनुवाद किया हो, 18 पुराणों का किया हो, फिर उसके बाद 300 से ज्यादा किताबें और लिखी हो, और उसके बाद एक इतनी बड़ी तहरीक और इतनी बड़ी एक इतना बड़ा एक मूवमेंट चलाया हो, इतनी बड़ी एक तहरीक चलाई हो कि वो उसके मानने वाले जो है वो करोड़ों में हो जाएं, अपनी जिंदगी के अंदर ही उसके मानने वाले जो है वो 50-60-70 लाख तक हो गए थे। इतना बड़ा, इतना काम करने वाला इंसान जो है वो हिस्ट्री में बहुत कम है। उनमें से एक पंडित श्याम शर्मा आचार्य थे, भी 1993 में या 92 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने 18 पुराणों का अनुवाद किया, उनमें से एक पुराण मैंने अभी नाम लिया था, भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण की भूमिका में उन्होंने लिखा, और यहां पर तो उनका ऑफिस है यहीं बरेली के अंदर, आप वो ले सकते हैं जाने के बाद, उनके उसे भविष्य पुराण का आप वो ले लीजिए, जो पहला तीन भागों में वो प्रकाशित हुआ है, पहला भाग जो है वो ले लीजिए, उसमें भूमिका होगी, पेशे लफ्ज फॉरवर्ड, उस भूमिका को देख लीजिएगा। मैं करीब करीब वर्ड बाई वर्ड बता रहा हूं, बीच का एक पैराग्राफ, एक आध वर्ड इधर उधर, एक आध शब्द इधर उधर हो सकता है। उन्होंने लिखा कि मध्य काल में जब वर्ण व्यवस्था पर बहुत अधिक बल दिया जाता था और
और चतुर्थ वर्ण के लोगों को श्रुति के सुनने की भी अनुमति नहीं रही। उस समय में उस चतुर्थ वर्ण के लोगों के हितार्थ और उनको धर्म आचरण देने के लिए पुराणों की रचना की गई। ज्यादा मुश्किल वर्ड्स थे, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि बीच में एक समय, एक पीरियड, मेडिवल पीरियड एक ऐसा भी आया कि जब एक पूरे हिस्से को इंसानों के श्रुति के यानी वर्ड ऑफ गॉड सुनने की भी इजाजत नहीं रही थी। वेद सुनना उनके लिए मना थे, जो लोग चतुर्थ वर्ण के लोग, जो चौथे तबके के लोग कहलाते थे, उनको वेद सुनना भी बीच में मना हो गया था कि सुन भी नहीं सकते, पाठ करना तो अलग बात, सुने भी नहीं। ये बीच में एक लॉ बन गया था, अब नहीं है। एक पीरियड गुजरा ऐसा। उन्होंने लिखा कि उस वक्त में उन लोगों को जो वो बुद्धिहीन वर्ग है, चतुर्थ वर्ण को मैं अपने जबान में, अपनी बोली में बुद्धिहीन कह रहा हूं, वो बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने कहा कि ये समझ नहीं सकते, तो उस के अब ये सुनेंगे भी नहीं, इनके शब्द भी कानों में न पड़ जाएं वेदों के या ईश्वर की वाणी के या खुदा के कलाम के, तो वो तो धर्म से कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो फिर उनको धर्माचरण देने के लिए और उनको सदाचार सिखाने के लिए पुराणों की रचना की गई। यानी वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग ने कुछ ग्रंथ बनाए ताकि ये बुद्धिहीन वर्ग भी धर्म को ले सके और समझ सके, इसलिए पुराण लिखे गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंडित श्याम शर्मा आचार्य ने कहा है, आप भविष्य पुराण की भूमिका में पढ़ लीजिएगा। ये कुदरत का इंतकाम है, ये प्रकृति ने खुद अपना बदला लेती है। हमारे कर्म जो है, जो सामने यहां पर आते हैं, कुछ लोगों ने जहां पर एक समुदाय को या एक इंसानों के वर्ग और ग्रुप को अगर वर्जित किया और मना किया कि वो खुदा का कलाम सुन भी नहीं सकते, तो इसका बदला उनको समय के साथ में ये मिला, यही इसी दुनिया में, कि जिसको उन्होंने, जिस चीज को उन्होंने दूसरों को सुनने को मना किया था, उनके घरों से भी निकल गए। आज खुद उन्होंने दर्शन, उनकी मेजॉरिटी ने दर्शन भी नहीं किए, उनके अपने घरों में नहीं होते वो, जो उन्होंने दूसरों को सुनने को मना किया था। आज खुद ना पाठ करते ना सुन पाते, इसलिए कि होते नहीं घरों में। और जो जिस चीज को उन्होंने बनाया था और कहा था कि ये उनके लिए बनाई गई, जो बुद्धिहीन वर्ग के लिए है, कि वो श्रुति को नहीं सुन सकते, इतनी अकल नहीं है उनमें, तो जो उन्होंने बनाया था, जो उनकी मैन्युफैक्चर्ड चीज थी, वो उन्होंने बुद्धिहीन वर्ग के लिए बनाया था, आज अपना धर्म वही हो गया। आज पुराणों का धर्म है, जो लोग सनातन धर्मी कहलाते हैं वो पुराणों के धर्म पर है, वो वेदों के धर्म पर नहीं है। तो ये इतना बड़ा अंतर हो गया दोनों के अंदर, इसलिए ये अलग अलग कहा जाता है। ये दो धर्म तो होते नहीं, धर्म तो एक है, ये दो मत है अलग अलग। और जिस मत की बात जो सनातन धर्मी करते हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता, और जिस मत की बात मुसलमान करते हुए नजर आते हैं वो सनातन धर्मियों को अच्छा नहीं लगता। है दोनों अलग अलग, ये एक नहीं है। धर्म पर आइए वापस, धर्म एक क्या है। तो ये फिर यहां से वो चीज शुरू होती है जिसकी बात हुई थी कि डिवाइन गाइडेंस के प्रकाश में और उसकी रोशनी में हम हिदायत क्या है, सही रास्ता क्या है। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, मुझे बुखार था कल तक और इरिटेशन है गले में, तो मैंने कह दिया था बीच में कि अगर मुझे खांसी किसी को सुनाई दे मेरे साथ में जो लोग हैं, तो मुझे वो गर्म है ये जरा सी ब्लैक टी, तो वो एक घूट में ले लूंगा, तो वो उस इरिटेशन से बचाने के लिए। वक्त कितना, मैं फिर से लेके आगे भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं अभी जो कुछ और मैं आगे कहूँ, कितनी आप इजाजत देंगे? हाँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे ना, इसलिए यानी प्रश्न उत्तर भी होने चाहिए, तो थोड़ी देर में और। जी ठीक है, अब हम आए उस जगह पर। अभी तक ये तो समझ लीजिए कि ये आधारशिला थी, ये बुनियादें थी जो हम कहना चाहते थे, जो हमें जिस पर बैठकर विचार करना कि धर्म क्या है। ये लाइट जला दीजिए तो उनके कैमरे में लाइट हो जाएगी। तो फिर धर्म क्या है? ये तो मत थे, और इन मतों में बहुत मतांतर है, बहुत 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 फर्क है आपस में एक दूसरे के साथ में। और फिर जब मत बनते हैं तो वो फिर एक नहीं रहता, जब एक जगह मूल से कोई हटता है तो फिर कोई लिमिट नहीं होती हटने की। सैकड़ों मतों के अंदर या हजारों मतों के अंदर सनातन धर्म ही विभाजित हुए, और सैकड़ों मतों के अंदर फिरकों के अंदर वो भी विभाजित हुए जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। वो एक मत नहीं रहा, जब मूल से हटे, जिसे हम सीधा रास्ता कहें, सिराते मुस्तकीम कहें, वो जो वेद ने कहा और वो जो कुरान ने कहा। अभी मैंने एक बात बीच में रखी थी और वो खाली, उसे हम सबूत नहीं कहें, आखिरी सबूत नहीं कहें, कि इंडिकेशन था कि कुरान ये कह रहा है कि ये आदि ग्रंथों में भी है और आदि ग्रंथ ये है,
यहां पे कहा जाता है कि आदि ग्रंथ है सचमुच या नहीं है, मैंने कहा था कि न माने मुसलमान, देख तो ले कम से कम, उसके बाद फैसला करें, अभी कम से कम इतना मार्जिन रखें कि शायद यही हो, कुछ हिस्सों को देखें आइए। इस्लाम का मूल ग्रंथ कुरान, कुरान शरीफ का एक खुलासा है, एक सार है, उस सार को कहते हैं कलमा। वो कलमा अगर कोई बोले और पढ़े, और खाली बोलना पढ़ना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर एक कर देगा कि आप पढ़िए, पढ़ देते हैं बहुत से लोग, कोई मानकर कि मैं मानता हूं इस बात को, तो उसे कहते हैं मुस्लिम हो गया, तब माना जाता है कि अब मुस्लिम हुआ, इसने माना इस बात को, इसलिए कि वो सार है और खुलासा है। अगर उसने सार और खुलासे को माना तो उसने विस्तार तफसील को भी मान लिया, पूरे कुरान को मान लिया, अगर खुलासे को मान लिया, जब ये खुलासा है तो, अब पूरे को मान लिया तो फिर वो मुस्लिम हो गया। अब ये कुरान का खुलासा है। हम सवाल किया, हमने सवाल करते हैं बहुत से सनातन धर्मी भाइयों से, वेद का भी बताइए कोई खुलासा, कोई सार बताइए। वेद का कोई सार हो, कोई खुलासा, सारा वेद तो अभी तो घरों में भी नहीं होते लोगों के, लेकिन अगर हो और उसे मानना हो, और वो जिन्होंने अध्ययन किया है इसका खुलासा बता दीजिए कि इस खुलासे को मान ले, हम इस सार को मान ले, जैसे कुरान का एक सार है, तो कहते हैं कुरान का वेद का सार नहीं है, कोई वेद के सार को कहते हैं, वेद का सार है उसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। अब कट गए, बहुत दूरी हो गई, तो इसलिए अब जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं ब्रह्मसूत्र, तो लोग कहते हैं हाँ बात ठीक है, ये तो वर्ड है, ये सुना है हमने ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, और सूत्र कहते हैं कलमे को। सूत्र का अगर मैं ट्रांसलेशन अरबी में करूं, सूत्र माने पॉइंट, बात, कलमा माने बात, पॉइंट। ब्रह्मसूत्र बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है कलमे खुदा का, यह नाम नहीं बदला, टाइटल नहीं बदलाई, जैसे धर्म का नाम नहीं बदला था, सिर्फ भाषा बदली थी और जबान बदली थी, सनातन धर्म और इस्लाम, ऐसे ही सनातन धर्म और दीन कय्यिम, ऐसे ही ये जो कुरान, ये इन दोनों के वेद और कुरान का जो खुलासा है उसका जो टाइटल और नाम है वो भी नहीं बदला, टाइटल नहीं बदला है, इधर कलमे खुदा है, जबान बदली है, ब्रह्मसूत्र कलमा है, एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उपासनीय और पूजनीय नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी लाइन का अर्थ है कि वो अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे, खुद अल्लाह नहीं थे, खुद ईश्वर नहीं थे, न ईश्वर के संबंधी थे, न उसके पुत्र थे, उसके दास थे, उन्होंने जो पैगाम जो उसके बारे में था वो बताने आए थे, ये रसूल होने का अर्थ है। तो ये दूसरी लाइन तो साथ में इसलिए है कि वो रसूल होने का अर्थ ही है कि उन्होंने ये बात बताई थी, खुद अपना कोई अपने लिए दावा नहीं किया था कि उन्हें पूजा जाए, उन्होंने ये बताई थी, ये मूल पंक्ति ला इलाहा इल्लल्लाह के, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय उपासनीय नहीं है। इतिहास में किसी को इस पर संदेह थोड़ी है कि वो थे, मोहम्मद साहब हुए थे यहां पर, इतिहास के अंदर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा मैं ये बताने आया था, जो ये मान ले कि जो ये बताने आए थे ये ठीक है, उसको उनको ईशदूत या रसूल कहने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी पंक्ति तो इसलिए है कि इनकी पूजा मत करना, इतिहास में बहुत से लोगों ने उनकी पूजाएं और उनकी उपासनाएं की जो उनकी नजर में बड़े और आदरणीय बन गए थे, तो इसलिए ये पंक्ति साथ में लगा दी गई। और उन्होंने रसूल ने मूल बात जो बताई वो ये थी ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है। ये कलमा है। ब्रह्मसूत्र भी सुनिए, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह माने नहीं, ना माने नहीं, नास्ते माने नहीं, किंचन जरा सा भी, अंश भर भी, नाम मात्र भी कोई और नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, इन दोनों के कहीं अर्थ में फर्क हो रहा है? अगर सार एक है तो फिर विस्तार में क्यों फर्क होगा? ये खुलासा, अभी टाइटल नहीं बदला, धर्म के नाम नहीं बदले, भाषा बदली थी खाली। कुरान शरीफ का सार कलमा खुदा कहलाता है, वेदों का सार ब्रह्मसूत्र कहलाता है, ये भी सिर्फ भाषा बदली है, ये नाम नहीं बदला, और खाली नाम की बात नहीं हो रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, ये दोनों भी नहीं बदले, इनका सार भी एक है, तो फिर विस्तार भी नहीं बदलना चाहिए। मैं तो अभी धर्म की हम मूल उसके ऊपर चल रहे हैं यहां से कि डिवाइन गाइडेंस क्या है, धर्म पहले, धर्म की एकता को तो समझे, अलग अलग धर्मों की हम कैसे बात करें? हमने कहा वेदांत टू कुरान, तो फिर अलग अलग संस्करण है ये, इसलिए कुरान ने ये बात कही कि हर भूभाग पर, जमीन के हर हिस्से के ऊपर अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से दूत आए और ईश्वर का संदेश लाए वहां की भाषा के अंदर,
प्राचीन काल में यह नहीं संभव था कि किसी एक जगह पर कुछ आ जाए तो वो दुनिया के दूसरे हिस्सों को पहुंच जाए। जब मार्गदर्शन नहीं पहुंचेगा दूसरे हिस्सों को तो फिर दूसरे लोगों के साथ उसकी सृष्टि के साथ में न्याय नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक था कि जब तक प्रचार प्रसार माध्यम इतने न हो जाए कि संदेश सब जगह पहुंच जाए, उस समय तक सब जगह ईश्वर की वाणी या उसके रसूल और दूत आए, एक ही संदेश लाए, चाहे भाषा अलग अलग हो। हमारे पास हम कोई उपकरण खरीदते हैं, हमने एक कैमरा खरीदा, उस कैमरे के साथ में एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल जब हमारे पास आता है तो वो हिंदी भाषा के अंदर होता है, वो बंगाल में जाता है तो बांग्ला में होता है, वो केरला में जाता है तो मलयालम में होता है, वो कश्मीर में जाता है तो कश्मीरी में होता है, लेकिन वो मैनुअल एक ही होता है। लैंग्वेजेस बदलती है, उसको यूज करने का तरीका एक ही होता है। तो ये संस्करण है अलग ही, अलग अलग एडिशन से आदिकाल में या भारतवर्ष के अंदर जो मूल ज्ञान आया, अगर वो खुदा की तरफ से था तो वो बदल नहीं सकता। वही ज्ञान जो वो कुरान शरीफ की शक्ल के अंदर आया, अरब देश के अंदर आया, भाषा बदल सकती है, मूल ज्ञान और उसके मूल सिद्धांत नहीं बदल सकते। अभी तो मैंने आपके सामने रखा कि उसका सार और खुलासा जो है वो भी एक ही है, सिर्फ भाषा बदल रही है, तो भाषा की संकीर्णता है। अभी मैं कहूं अभी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप पढ़ सकते हैं, अगर मैं नहीं कहता शुरू में कहता, डॉक्टर साहब कहते क्या, अरे जो अभी पढ़ के सुना देता हूं, साथ में मैं अगर ये कहूं कि नहीं अगर आपने पढ़ा तो मुस्लिम हो जाएंगे, तब जरा सा संकोच होगा, तब डॉक्टर साहब कहेंगे कि अभी अगर मैंने समझकर पढ़ दिया तो फिर मुस्लिम हो जाऊंगा, तो फिर तो मैं नहीं पढ़ सकता। अब बात यहां से शुरू हो रही है कि और इसके आगे समझने की बात है, मुस्लिम होना कोई बुरी बात है? मुस्लिम का मतलब आज्ञाकारी, मुस्लिम का मतलब जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया हो। हमारे मेरे एक मित्र है, ये अभी बात मैंने की थी डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा की, वो वेदांत में पीएचडी थी, वेदों में पीएचडी है, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र है, इस वक्त संस्कृत विश्वविद्यालय वहां पर जयपुर के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य है, वहां पर लेक्चरर है या शायद प्रधानाचार्य है, मुझे याद नहीं रहा, जयपुर के अंदर। उन्होंने मुझे बताया, वहां एक जगह हमारे साथ बताया नहीं, एक जगह मेरे साथ, हमारा उदयपुर में कंबाइंड प्रोग्राम था, उस कंबाइंड प्रोग्राम के अंदर एक साहब ने एक क्वेश्चन किया और सवाल, कई जगह ऐसे कई प्रश्न हुए जो मुझसे पूछे गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वहाँ मेजॉरिटी जो थी वो उनकी थी, सनातन धर्मियों की, कई जगह उन्होंने मुझसे कहा कि आप रहने दिए तारे वो उत्तर मैं दूंगा। फिर उन्होंने एक इवेंट सुनाया, एक वाक्य सुनाया, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में मैं कुरान शरीफ कैसेट लेकर गया और मैं सुन रहा था, कुछ आवाज जो है वो जब बाहर के लोगों को आई, और ये उन्होंने बताया जोधपुर की बात है, जब वो जोधपुर में थे, बाहर कुछ लोगों को आवाज आई, वहां से कुछ बातें फैली कि ये डॉक्टर साहब जो है ये तो ये अंदर से कुरान की आवाज आती है, कमरा बंद करके सुनते हैं। इसलिए एक दिन फिर बहुत से लोग इकट्ठे होकर आए और उन्होंने नॉक किया, जिस वक्त बंद किया उसे गए बाहर तो अच्छा खासी भीड़ थी वहां, और लोग बड़े एजिटेटेड थे, कहने लगे, उन्होंने एक साहब ने आगे बढ़ के कहा कि हमें ऐसा पता चला है कि आप यहाँ कुरान का पाठ करते हैं, आप मुस्लिम्स की तरह, तो कहने लगे, मैंने वहां पर, उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते क्या हो, तुम धर्म के बारे में कुछ जानते हो, मैं वेदों के अंदर पीएचडी हूं, मैं तुम मुस्लिम शब्द का अर्थ जानते हो, तुम्हें ना उसके बारे में मालूम और ना तुम्हें अपने धर्म के बारे में ज्ञान है। अरे फिर कहने लगे मुझसे, उन्होंने कहा, मैंने उनको डांटा उस वक्त वहां खड़े होके, और मैंने कहा मैं उस दिन अपना सौभाग्य समझूंगा, खुशकिस्मती समझूंगा, जब मैं ये बात ऐलान करके कह सकूंगा कि मैं मुस्लिम हूं। तो मुस्लिम होना वो कहते बुरी बात है, मुस्लिम आज्ञाकारी को कहते हैं, मुस्लिम समर्पित होने को कहते हैं। तो अगर मैंने अभी कहा कि मैं अगर डॉक्टर साहब से कहूं इसे जरा समझकर और मानकर अगर आपने पढ़ दिया, खाली बात जबान की नहीं हो रही, आप मुस्लिम हो जाएंगे, तो फिर आदमी संकोच करेगा कि मैं तो नहीं कर सकता, मुस्लिम नहीं होना चाहता। मुस्लिम का अर्थ नहीं समझाए, वो मुस्लिम नहीं है जो मुस्लिम के घर पैदा हो रहे, अल्लाह की फिरिस्त में सब नहीं है उसमें से, जो जिसे वो तय करे वो होंगे। मुस्लिम होना कोई बुरी बात नहीं, जैसे सनातन धर्मी होना हो, मुस्लिम होना एक बात है, कोई बुरी बात नहीं, वो जो दीन कय्यिम के ऊपर है वो सनातन धर्मी है, मैं किसी जन्म से कहीं से चला रहा हूं, तो क्या है ये मुस्लिम? मैं अगर उसको उसके अंदर संस्कृत जबान के अंदर पढ़ सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है इसके अंदर कि कोई दूसरा पढ़ सके इस बात को? अभी तो मुसलमानों के सामने पढ़ते हैं कि हमें वेद का मंत्र पढ़वा दिया, तब ये कुछ इस्लाम के खिलाफ हो गया, होती है, और ये आते हैं इतराज आते हैं जगह। बात एक ही है, मैं उसे अंग्रेजी भी कहूं देयर इज नो गॉड बट वन गॉड,